जो भी कलर करता है उसके दिमाग में दो चीजें होती हैं कि मेरा कलर जल्दी फेड ना हो पाए नंबर वन, और मेरे बालों के अंदर शाइन नजर आने चाहिए। पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर मैं आपको दिखाने वाला हूं आज। हमारे बालों में कलर लगा हुआ है, लेकिन जो मेरा पहला वॉश है उसका वॉश करने का तरीका डिफरेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं 50% शैंपू और मैं यूज कर रहा हूं हबीब का शैंपू, और मैं ले रहा हूं 50% मैं लेता हूं कंडीशनर। सो मैंने कंडीशनर 50% लिया, शैंपू 50% लिया, इसको मिक्स किया। तो मैंने एक तरह का पेस्ट बना लिया है। तो मेरा पहला वॉश कैसे होगा? मेरा पहला वॉश होगा इससे, ताकि आपके बालों का कलर फेड ना हो। नंबर टू, आपके बालों में ज्यादा शाइन आने वाली है। तो ये हम लोग लेते हैं, थोड़ा पानी डाल लेते हैं क्योंकि हमारे बालों में कलर लगा हुआ है। हम लोग लेते हैं ये कंडीशनर एंड शैंपू का मिक्स, और ये हम लोग लगाते हैं। मतलब मेरा पहला वॉश किससे होगा? मेरा पहला वॉश इससे होगा। आपके बाल कभी फेड होने वाले नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आपके बाल में ज्यादा शाइन आने वाली है। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपके बाल जल्दी फेड नहीं होंगे। अगर आप इसको फॉलो करेंगे आपके बालों में ज्यादा शाइन नजर आने वाली। तो मतलब क्या हुआ कि पहला वॉश ऐसे होना चाहिए, उसके बाद में आप जो घर में करते हैं आप उसको फॉलो कीजिए। सो प्लीज, अगर आपको अच्छे बाल पसंद है, कलर वाले बाल ज्यादा उसमें लाइफ चाहिए, तो प्लीज फॉलो करेंगे मेरा सिस्टम। मेरा सिस्टम क्या था आपको पता चल गया। एंड उसके बाद में ऑफकोर्स हम लोग टॉवल से इसको क्लीन करते हैं, टॉवल से इसको वाइप करते हैं, ताकि हमारा सारा का सारा पानी सूख जाएगा। सो अगर आपको अच्छे बाल चाहिए, फॉलो करो मेरा सिस्टम। सो उसको मैं बोलता हूं फर्स्ट वॉश आफ्टर कलर इज सो इंपॉर्टेंट। सो ये हमारी थी आज बालों की शाइन की पावर। यस, a power of power and the power.